एजेंसी की तरफ से स्टेटमेंट दी जाएगी लेटेस्ट सिचुएशन के बारे में, और उसके बाद हमारे साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से आपको ब्रीफ करेंगे। डियर फ्रेंड्स एंड कलीग्स फ्रॉम मीडिया, जस्ट टू गिव ए स्मॉल अपडेट ऑन द लेटेस्ट कोविड सिचुएशन। जैसे कि आप सबको मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को कल संबोधित करते हुए पूरे देश में 21 दिन के लिए कल रात से नेशनल लॉकडाउन घोषित किया था। उन्होंने ये इसलिए किया था कि हम इस इन्फेक्शन डिजीज का चेन ऑफ ट्रांसमिशन इसको ब्रेक कर पाएं, इसको तोड़ पाएं, और इसके लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनको यूनिफॉर्मली और बड़े इफेक्टिवली फॉलो करने पर ही वो संभव हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देश के सभी लोगों से अपील भी की थी कि हमें सबका कोऑपरेशन चाहिए कि हम इस इन्फेक्शन डिजीज पर किसी तरह से अपनी जीत हासिल कर पाएं। उनके दिए हुए इस अपील और इन आदेशों के तहत ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इससे तहत सारी मिनिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आदेश भी जारी किए हैं। उन आदेशों के अनुसार किस किस एरिया में क्या क्या करना चाहिए उसके हिसाब से नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो कि हमारे होम सेक्रेटरी साहब के चेयरमैनशिप में, उन्होंने भी डिटेल आदेश जारी किए हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसको जो भी आदेश जारी हो उनका ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेट कर रही है, मॉनिटर कर रही है। इसके तहत जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उनको क्लोज करने का आदेश दिया गया है। कुछ एक्सेप्शन की गई हैं, जो है कि मिनिमम जो भी एक्सेप्शन है ये भी मिनिमम स्टाफ के साथ ऑपरेट करें, और उन एक्सेप्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें डिफेंस, सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेज, ट्रेजरी, पब्लिक यूटिलिटीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, पावर जनरेशन, पोस्ट ऑफिसेज, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और अर्ली वार्निंग एजेंसीज को एग्जम्पशन दी गई है। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज में भी सब ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज करते हुए लेकिन कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं, जैसे कि पुलिस, सिविल डिफेंस, इमरजेंसी सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्रिजन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन, म्यूनिसिपल बॉडी, और जो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन जो कि एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं उनको एग्जम्पशन दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो सब भी इस समय पर अवेलेबल रहेंगी, खुली रहेंगी, जिसमें कि हमारे हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप्स, हमारी फैक्ट्रीज जो कि दवाइयाँ बनाती हैं, वैक्सीन बनाती हैं, सैनिटाइजर, मास्क या कोई भी मेडिकल डिवाइसेस बनाती हैं, वो सारी फैक्ट्रियाँ भी खुली रहेंगी। साथ ही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से कहा गया है कि जो भी ई कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको और प्रमोट किया जाए, कि जिसके तहत कि इसेंशियल जो गुड्स हैं हमारे, जैसे कि फूड, मेडिकल इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल, वो सब ई कॉमर्स के थ्रू एट होम डिलीवरी हम प्रोवाइड करा सकें और मिनिमम मूवमेंट ऑफ पीपल जो हम इंश्योर कर सकें। इसमें ये भी कहा गया था कि जो भी इन कंटेनमेंट मेजर्स को पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर सेक्शन 51 से 60 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्यवाही की जा सकती है, सेक्शन 188 ऑफ IPC के तहत कार्यवाही की जा सकती है। आज ही इस संदर्भ में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लेवल पर भी एक डिटेल मीटिंग हुई थी, सारे माननीय मंत्रियों ने इसके ऊपर COVID-19 की प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर समीक्षा करते हुए ये कहा है कि जितने भी आदेश जारी किए गए हैं उनको पूर्णतः अमल किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग एज ए पॉलिसी मेजर, क्योंकि हमें इस बीमारी का ट्रांसमिशन रोकना है, उसके तहत जो भी कार्यवाही की जाए उसके ऊपर हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में 100% पूर्णतः अमल हो, उसके लिए उन्होंने आदेश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कई लोगों को, जिनको जो विदेशों से आए हैं पिछले कुछ दिनों में और वो लोग होम क्वारंटाइन सजेस्ट किए गए हैं, तो सब लोगों को बचाने के लिए जरूरी है कि वो जो होम क्वारंटाइन की गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करें, और ऐसे में अगर हमें पाया गया कि अगर वो उन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हमारे कुछ मित्रों ने इससे पहले भी कहा था कि कुछ लोग होम क्वारंटाइन की गाइडलाइन देते हुए भी इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो इन्फेक्शन डिजीज का रिस्क बढ़ाते हैं, तो उसके लिए भी उनके ऊपर अंडर द एक्ट कठिन से कठिन चर्या की जाएगी, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है। साथ ही आपको सबको विदित है कि इससे पहले भी हम लोगों ने अपना मेडिकल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ाते रहे हैं। अब तक हमारी
118 सरकारी लैब्स हैं जहां पर कि हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, और इसके तहत हम आज देश में करीब 12,000 सैंपल्स प्रतिदिन करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही एडिक्वेट ज्योग्राफिकल अवेलेबिलिटी के लिए हमने प्राइवेट लैब्स को, जो कि NABL एक्रेडिटेड लैब्स हैं, उनको भी हमने कवर किया है। अब तक 29 लैब चेन को इसकी परमिशन दी जा चुकी है, और उन लैब चेन के अंडर में अभी अप्रॉक्सीमेटली 16,000 कलेक्शन सेंटर्स हैं, तो जिसके द्वारा भी जो हम कलेक्शन कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। यहाँ यह मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जो भी ये लैब्स हैं, इनको ICMR की जो गाइडलाइंस हैं और जो सैंपल कलेक्शन के जो नॉर्म्स हैं कि किस किस आदमी का सैंपल कलेक्ट होना चाहिए, किस किस आदमी की टेस्टिंग होनी चाहिए, ये सारे नॉर्म्स इन लैब को फॉलो करने हैं। साथ ही इससे पहले भी आपको बताया गया है कि एक दवाई जो है हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन, वह दवाई हमने दो पर्टिकुलर केसेस के लिए ही अलाउ की है, जो कि प्रोफाइल एक्सेस के रूप में काम करेगी, जो केवल दी जा सकती है हेल्थ केयर वर्कर जो कि सस्पेक्टेड या कन्फर्म केसेस से डील कर रहे हैं, या उन कन्फर्म केसेस में जिनमें कि जो उनके फर्स्ट कॉन्टैक्ट है उनको दी जा सकती है। यहाँ मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जो ये परमिशन दी गई है, प्लीज़ इसको इन लोगों के अलावा इस दवाई को कोई ना ले। ये डायरेक्शन बड़ी टेक्निकली डिफाइंड डायरेक्शन है, इसका पूर्णतः अमल हो। धन्यवाद। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूंगी कि भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रही है कि एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाईज और मूवमेंट में कोई भी बाधा नहीं आए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार ने डिटेल्ड गाइडलाइंस निकाली है और राज्य सरकारों को एडवाइजरीज भी जारी की है, जो ये स्पष्ट करती हैं कि एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज सुचारू रूप से चले, किसी भी नागरिक को समस्या ना आए। गृह मंत्रालय एक कंट्रोल रूम द्वारा यह सिचुएशन को निरंतर मॉनिटर कर रही है। कंट्रोल रूम सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स के सुपरविजन में चल रहा है। इसमें जो संबंधित मंत्रालय है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, उसके भी सीनियर अधिकारी कार्यरत हैं। हम शिपिंग और रेलवेज के साथ भी कॉन्टैक्ट में हैं। इसके अलावा स्टेट्स एंड यूटीज ने भी सीनियर अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया है, जिनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिससे कि फील्ड लेवल में जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको उनका निदान कर सके। गृह मंत्रालय ने ये भी सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि वो हेल्पलाइंस इस्टैब्लिश करें, हेल्पलाइन सेटअप करें, जिससे कि नागरिकों को और सप्लायर्स की जो भी असुविधाएं हैं वो फील्ड लेवल पर त्वरित गति से हल हो जाए। और लगभग सभी स्टेट्स ने आज शाम तक ये हेल्पलाइंस चालू कर दी हैं। इसी श्रृंखला में आज होम सेक्रेटरी ने DPIT सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी के साथ मिलकर ई कॉमर्स की जितनी एजेंसीज हैं और जो अन्य रिटेलर्स हैं उनके साथ एक बैठक की। बैठक में सभी संस्थाओं की समस्याओं का फीडबैक लिया। उनको ये बात बताई गई कि मिनिमम ह्यूमन कॉन्टैक्ट के प्रिंसिपल का अनुपालन होना चाहिए और केवल एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज में ही व्यापार होना चाहिए। सभी संस्थाओं को आश्वासन दिलाया गया कि उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उचित समाधान निकाले जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इन सब कदमों के साथ और सबके सहयोग के साथ हम इंश्योर कर सकेंगे कि जो भी आवश्यक गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको स्ट्रीमलाइन तरीके से आप तक हम पहुंचा सकें। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है हमारे पास। एसेंशियल सर्विसेज आर नॉट बीइंग अलाउड टू ऑपरेट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सप्लाई चेन्स आर